नुमान न्याज से बहस के मामले पर सरकारी टीवी से ऑफ एयर करने के फैसले पर शोएब अख्तर ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो कौन होते हैं मुझे ऑफ एयर करने वाले। समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की जानिब से पैगाम जारी किया गया, जिसमें इंक्वायरी कमेटी के आज के फैसले पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा गया कि ये तो बिल्कुल ही मज़हक़ा खेज़ है। मैंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों और दुनिया भर में अरबों के सामने इस्तीफा दिया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने अपने ट्वीट में गुस्से का इजहार करते हुए सवालिया अंदाज अपनाया और कहा कि क्या पीटीवी का दिमाग चल गया है, वो कौन होते हैं मुझे ऑफ एयर करने वाले। कबल अजीज सरकारी टीवी पर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान तलख गुलामी के मामले पर दोनों को ऑफ एयर करने का फैसला किया गया। समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर पीटीवी स्पोर्ट्स की जानब से शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के मामले से मुतालिक इंक्वायरी जारी की गई। पीटीवी स्पोर्ट्स की शेयरकर्दा पोस्ट में बताया गया कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक नुमान नियाज और शोएब अख्तर को ऑफ एयर करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान टेलीविजन इंतजामिया की जानब से बताया गया कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती और वाक़े से मुतालिक मज़ीद हक़ायक़ वाज़ेह नहीं हो जाते, इस दौरान दोनों अफराद पीटीवी के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। कबल अज़ीज़ ज़राए ने बताया था कि इस्लामाबाद में एमडी पीटीवी के सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें शोएब अख्तर से पेश आने वाले वाक़े का जायज़ा लिया गया। इजलास में प्रोग्राम की आनी और रिकॉर्डिंग का भी जायज़ा लिया गया। तहकीकती कमेटी ने मामले पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को बुलाने का फैसला, जबकि फौरी तौर पर नुमान नियाज को ऑफ एयर करते हुए तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम करने से रोक दिया गया था। वाज़ह रहे कि सरकारी टीवी पर T20 वर्ल्ड कप के लाइव शो में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और मेज़बान डॉक्टर नुमान नियाज में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शोएब अख्तर उठकर चले गए थे। शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज में तलख कलामी के वक्त डेविड रिचर्ड्स, डेविड गावर, उमर गुल, राशिद लतीफ, अजहर महमूद और सना मीर भी मौजूद थे। शो के मेज़बान ने इस वक्त ब्रेक ले ली। ब्रेक के बाद शोएब अख्तर वापस शो में मौजूद थे और दोनों ने इस वाक़े को मजाक करार दिया, लेकिन शोएब अख्तर ने बाद में लाइव शो के दौरान ही इस्तीफा दे दिया और उठकर चले गए थे। शोएब अख्तर और नुमान नियाज की नाराज़गी के वीडियो क्लिप पर सोशल मीडिया सार्फिन ने हैरानी और नापसंदीदगी का इजहार किया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि लाइव शो में लेजेंड प्लेयर्स या किसी भी मेहमान के साथ ऐसा रवैया नामुनासिब है। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने के बाद शोएब अख्तर ने भी लाइव शो के वाक़े पर अपना रद्द अमल दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा है कि मुझे लाइव शो में चले जाने को कह दिया गया, मुझे समझ नहीं आया कि डॉक्टर नुमान नियाज ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा था कि टीवी पर एक स्टार की यूं तोहीन मुनासिब नहीं, गैर मुल्की और कौमी स्टार्स क्या सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। मैंने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी जानब सरकारी टीवी के इंतजामिया ने वाक़े का नोट्स लेते हुए तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी थी।